नमस्कार, मैं ऋषिका मिश्रा और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां ऑक्सीजन लोगों की जानें बचा रही है, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन लोगों की जानें भी ले रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक की, जहां पर अस्पतालों में करीब 22 लोगों की ऑक्सीजन लीक होने की वजह से मौत हो गई है। बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक अस्पतालों में जहाँ पर ऑक्सीजन लीक हो गई है और ऑक्सीजन लीक होने की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक अस्पताल में करीब 150 मरीज भर्ती थे, लेकिन 150 मरीजों में से ऑक्सीजन लीक होने की वजह से 22 लोगों की 22 जो मरीज वहां पे भर्ती थे उनकी मौत हो गई है। जिसके बाद नगर निगम के आयुक्त कैलाश यादव ने कहा कि तकनीकी इंजीनियर की मदद से लीकेज को बंद किया जा चुका है, लेकिन अब अस्पताल में केवल 25% ही ऑक्सीजन बची है। 10 से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कम ऑक्सीजन आपूर्ति से लोग जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जो लोग वेंटिलेटर पर रहते हैं वो कम ऑक्सीजन से जीवित नहीं रह सकते हैं। साथ ही नगर आयुक्त कैलाश यादव ने कहा कि इस मामले की हम तहकीकात करेंगे और जांच करेंगे, जिसके बाद ही कुछ खुलासा हो सकता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।